अब्दुल राशिद ये वो नाम है जो कि 1990 से ही बीएसएफ के खुफिया विभाग में तैनात था। कैफतुल्ला खां ये भी वही नाम है जो कि इसे बखूबी जानता था। ये वाक्या ये भी बताता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीएसएफ से, ऐसी चीजों का सामने आना एक अलर्ट भी है अपने आप में। मेरे साथ इस वक्त बीएसएफ के डीजी डीके पाठक जी मौजूद हैं। कैसे संकेत आप मानते हैं सर इसको? देखिए, मैं इसको इस तरह से लेना चाहूँगा, बीएसएफ की बहुत बड़ी फोर्स है जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। इसमें से कोई एक ब्लैक शिप निकल गया, इसको हम इसी तरह से देख रहे हैं, लेकिन एक हमारे लिए एक तरह से अलर्ट भी है। हमें और भी ज़्यादा चौकसी रखनी पड़ेगी कि कहीं इस तरह के और लोग भी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है और उस क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना को लेकर हमने एक स्टाफ कोड ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और बहुत जल्दी ही उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होकर उसके जो भी सुझाव आएंगे या जो भी चीज़ इंक्वायरी में पाई जाएगी हम उसी हिसाब से कदम उठाएंगे। अन्य भी कई कदम हम उठा रहे हैं इस क्षेत्र में। ये वाक्या क्या आपके लिए भी एक सदमे की तरह हम कह सकते हैं कि जब ये खबर जब आपके जब सामने आई होगी सर, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी? इस तरह की चीज़ें अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन मैंने बताया ना, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्लैक शिप निकल गया। मैं इसको इस तरह से लेना चाह रहा हूँ, ये एक ब्लैक शिप है। ये अब्दुल राशिद जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में तैनात, अकेले ही ये व्यक्ति इतने बड़े तार को नहीं जोड़ सकता है, कैफतुल्ला खान इसका रिश्तेदार, क्या आगे भी ऐसे संकेत हैं कि चीजें ऐसी सामने आ सकती हैं? अभी तो उसकी इंटरोगेशन चल रही है, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, हमारी अपनी भी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। मैं चाहूँगा कि हम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करें, उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी कहूँगा उससे पे एक स्पेकुलेशन होगा। जिस तरीके से डीके पाठक जी ने भी इस बात को माना है कि हम अलर्ट तो रहते थे, लेकिन हाँ अब हम जरूरत से ज्यादा चौकन्ने रहेंगे, क्योंकि ऐसे मामले अगर आगे आएंगे तो ये हमारे लिए और देश की सुरक्षा के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।